वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि कनेक्ट फिल्म के हिंदी वर्जन के बारे में। तो ये फिल्म जो है पिछले हफ्ते थिएटर में रिलीज हुई थी केवल तमिल भाषा में, इस हफ्ते इस फिल्म को जो है हिंदी भाषा में थिएटर में रिलीज करवाया गया है। मैंने अभी तमिल वर्जन नहीं देखा था, डायरेक्ट आज जो है फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन को ही देखा है। फिल्म में लीड रोल में आपको नजर आएंगे नयनतारा, अनुपम खेर और सत्यराज। अनुपम खेर का जो है फिल्म के अंदर केवल गेस्ट अपीयरेंस ही है, आखिरी 15-20 मिनट के लिए वो जो है आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो केवल 1 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ आई एक बहुत ही छोटी सी हॉरर थ्रिलर ये फिल्म है, जहां पर फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए फिल्म कनेक्ट जो है एक बहुत ही एवरेज फिल्म साबित हुई। अगर एक हॉरर फिल्म के नजरिए से देखा जाए तो डेफिनेटली फिल्म के अंदर कुछ इक्का दुक्का जंप स्केयर्स मोमेंट हैं जो आपको हल्का फुल्का डरा सकते हैं। वहां पर मैं कहूंगा कि कैमरा वर्क जो है वो काफी अच्छा है, साउंड डिजाइनिंग जो है वो काफी अच्छी है, बट केवल कुछ एक आध दो जंप स्केयर्स के लिए देखना एक पूरी फिल्म को 1 घंटे 40 मिनट भी जो है मुश्किल हो जाता है। देखिए फिल्म के अंदर एक चीज है, यहां पर जो कोविड सिचुएशन के बीच में कहानी को पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, नयनतारा उसकी बेटी जो है एक रूम के अंदर बंद है क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते हैं। अभी सत्यराज जो है उनसे बाहर से कनेक्ट करते हैं जूम कॉलिंग के थ्रू, यहाँ पर हर एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर से कनेक्ट कर रहा है। अब ये जो जूम कॉलिंग को यहाँ पे यूज किया गया है तो देखिए उसमें उन्होंने क्या है कि एक ट्रिक यूज की है कि देखिए जूम कॉलिंग हो रही है और जब भी कुछ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो या तो वीडियो कॉल जो है वो रुक जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, बफर मार जाता है, तो ऐसा कुछ जो है फिल्म के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है। अभी देखिए ये ट्रिक इसलिए यूज की गई है कि उस सिचुएशन में आपको कुछ ना दिखाते हुए आपके अंदर एक डर क्रिएट किया जाए, या फिर आप उस कैरेक्टर के प्रति बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो तब आपके अंदर एक डर बनेगा कि यार हाँ अब मुझे कुछ पर्दे पर दिख नहीं रहा है, उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ होगा, कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। तो वो जो चीजें हैं वो तभी क्रिएट होंगी जब आपने बेस में या फिर कहें शुरुआत में राइटिंग के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स डाले होंगे। फिल्म जो है बहुत ही ऐसे रैंडमली स्टार्ट होती है और रैंडम तरीके से बिना किसी कैरेक्टर को हमारे साथ कनेक्ट किए सीधा जो है यहां पर सिचुएशन में डाल दिया जाता है, और यही एक कारण है कि कैरेक्टर के साथ फिल्म के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में मैं तो पर्सनली पूरी फिल्म के दौरान कहीं पर भी 1% भी केयर नहीं कर रहा था। बस ऐसा था कि फिल्म चल रही है, देख रहा हूं कुछ जंप स्केयर मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा था कि यार तुम वो भी डरा नहीं पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बैठ के देखा था कि थोड़ा बहुत डर भी लग जाए, बट वो डराने में भी ये फिल्म जो है बहुत कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती है। इक्का दुक्का मोमेंट्स कहूँगा जहाँ पर अच्छा कैमरा वर्क, अच्छी साउंड डिजाइनिंग के कारण कुछ अच्छे खासे सीन्स को यहाँ पर इफेक्टिव बनाया गया है, अदरवाइज फिल्म जो है पूरी फ्लैट निकलती है। मतलब फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ फिल्म हमने देखी हो, क्योंकि ना ही कैरेक्टर, ना ही कहानी, ना ही हॉरर, कहीं पर कुछ भी जो है इम्प्रेस नहीं कर पाता है। अब कहानी के अंदर तो कुछ है नहीं, स्क्रीन प्ले जो है कह सकते हैं कि बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा स्क्रीन प्ले है, उसके अंदर भी कुछ बहुत नयापन जो है देखने को नहीं मिलेगा। बस नयापन यही है कि अब यहाँ पर जो सब चीज़ें हो रही हैं उन्हें जो है कुछ लोग बाहर से हैंडल कर रहे हैं, बाहर से मदद कर रहे हैं, दूर से वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है मदद कर रहे हैं, बस यही फिल्म के अंदर एक डिफरेंट अटेम्प्ट है, अदरवाइज चीज़ें जो है बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेनेरिक है। अब अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की तो देखिए नयनतारा और बाकी सभी एक्टर्स के लिए यहाँ पर डबिंग यूज़ की गई है और डबिंग के कारण उनकी परफॉर्मेंस उतनी बहुत जो है उभर के सामने आती भी नहीं है हिंदी डब वर्जन में, और वॉइस भी जो है वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने आवाज़ भी दी है उनकी आवाज़ भी जो है उनकी परफॉर्मेंस को उस तरीके से मैच नहीं कर पा रही है। अनुपम खेर ने यहाँ पर जो है शायद तमिल वर्जन के अंदर भी हिंदी ही बोला है, उनकी खुद की ही आवाज़ हमें यहाँ पे फिल्म में सुनने को मिलती है और उनकी परफॉर्मेंस जो है आखिरी कुछ मिनट में इंप्रेसिव नज़र आती है। तो ओवरऑल कहूँगा कि ये फिल्म एक बहुत ही टाइम पास वाली फिल्म है। मतलब हॉरर थ्रिलर के बहुत बड़े फ़ैन हो और आपने बहुत खतरनाक हॉरर थ्रिलर फिल्में देखी हुई हैं तब मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म जो है आपको कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने वाली है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।